अग्रवाल मेरा नाम है। महेश जी, क्या हो गया था? सर 10-15 दिन से मुझको जो है यूरिन जाने में प्रॉब्लम होती है और होने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है। अच्छा। पेन भी रहता है मुझे उस जगह पे। अच्छा। तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास मैं गया था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसके बाद मालूम पड़ा कि मुझे किडनी में पथरी है। तो उसके बाद किडनी में एग्जैक्टली नहीं, रास्ते में थी। अच्छा, रास्ते में। ठीक, फिर तो डॉक्टर साहब उसके लिए फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आपसे मिल लूँ। नहीं, अपने डॉक्टर से बात करी किससे आप? हाँ, डॉक्टर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी करानी पड़ेगी, कुछ आप दिन आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है इसके लिए जो है सर्जरी करवा लीजिए। मुझे पेन थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये था महेश जी, आप हमारे पास लेकर गए थे कल के दिन में, कल रात में आ पाए थे। कल रात में हम आपके पास आए थे। 10:30 की पथरी थी इनके, ठीक है, महेश जी के राइट साइड में, और बाकी 4 mm की ऊपर है राइट किडनी में एक, और बाकी 10.5 mm की एक राइट साइड में इनके पथरी थी, और जिसकी वजह से इनको पेन हो रहा था, दर्द उठा था, दर्द स्पेशली एकदम नीचे के पोर्शन पे लग रहा था। ये है अल्ट्रासाउंड, थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे, हो गया ठीक। तो कल रात में भाई साहब दवाई लेके गए, कल डॉक्टर साहब दवाई लेके गए, और सुबह जो है हमें 6 बजे यूरिन हुआ और पथरी जो है भाई, यानी आपकी रात की एक खुराक की दवाई, एक खुराक की दवाई के वजह से लगी। तो एक खुराक की दवाई से इनकी 10.5 mm की पथरी बाहर निकली है, और वो है ये पथरी, आप देख सकते हैं, जूम करिए, दिख रहा है? तो ये पथरी है 10.5 mm की, जो कि काफी देखने में हार्ड लग रही है और प्योर कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी लग रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये बताइए साहब, आप है डायबिटिक जी, ठीक, और क्या तकलीफ है आपको, मतलब और क्या, किस चीज की दवाई चलती है? तो इसके अलावा हाँ, थोड़ी बहुत चलती है हमारी सर्वाइकल की दवाई चलती है, और आपको जो मैंने देखा था कल, जितने भी मरीज होते हैं जो स्टोन के होते हैं वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में थे, ठीक है, और सर्जरी से बच गए, और सिर्फ एक खुराक की दवाई से कमाल कर दिया, जादू हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, निकली है पथरी तो दर्द हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, दर्द नहीं के बराबर, थोड़ा सा मोशन लगा कि एक बार जैसे कुछ पास होती है बाहर, कोई बड़ी सी चीज, तो वो महसूस हुई, बाकी दर्द पेन एकदम नहीं, एकदम पेन फ्री ट्रीटमेंट, कोई खून निकला? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी खून नहीं, बिना खून के पथरी निकली, एकदम डॉक्टर साहब जादू हो गया, जादू हो गया। तो होता है ऐसा होम्योपैथी में अक्सर करके, अगर दवाइयाँ सही दी जाए, उसको ऐसा नहीं मालूम था कि होम्योपैथिक में भी इतना ऐसा फास्ट ट्रीटमेंट हो पाता है। अच्छा, तो होम्योपैथी को कैसे जानते थे आप? तो सब इससे पहले भी जैसे कभी एक दो बार गए हैं किसी ट्रीटमेंट के बच्चों के लिए भी कभी, तो काफी लंबा टाइम लगता था उसमें ट्रीटमेंट वगैरह में। अच्छा अच्छा, तो कहते थे कि पहले एक बार रोग को बढ़ाएंगे फिर ऐसे करेंगे। देखिए, ये एक मिथ है, इन्होंने बढ़ाने वाली बात बोल दी, तो ये एक मिथ है कि रोग बढ़ता है होम्योपैथी से, अगर वो बढ़ाव होता है, वो बढ़ाव वाला पार्ट अलग है, स्लाइट एग्रीवेशन, बहुत माइल्ड एग्रीवेशन होता है, वो पॉजिटिव होता है, मतलब वो रोग को ठीक करने की दिशा को बताता है कि आपका रोग ठीक होने वाली चीज है, तो वो माइल्ड एग्रीवेशन होता है, वो इतना नहीं होता कि आपकी तकलीफ बढ़ करके 1.5-2 गुना हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे, वो बहुत माइल्ड एग्रीवेशन होता है, वो अलग होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके आपको अंदर से बहुत आराम मिलता है, मतलब रोग ऐसा, मतलब तकलीफ ऐसी जो हल्की सी बढ़े, जैसे हम खुजली ले लें, आपको ने खुजली दवाई दी, अगर हमने हल्की सी वो खुजली बढ़ गई आपकी, मान लीजिए बहुत माइल्ड थोड़ी सी, 101 हो रहा था, 100% हो रहा था, 100 की जगह 105 हो जाए, 104 हो जाए, 101 हो जाए, इतना बढ़ जाए, और उसके साथ साथ अंदर से आपको बहुत आराम मिले,